मूवी की शुरुआत में हमें हनेडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्डिंग से कूद कर जान देना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी तो वो अपने रूम में वापस जाती है और बहुत सारी दवाइयाँ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके पड़ोसी उसे देख लेते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ वो बच जाती है। उसके बाद मियू नाम का एक डॉक्टर आता है और उसे बोलता है, तुम्हारा पूरा जहर तो निकाल दिया गया है लेकिन जहर ने तुम्हारी इंटरनल बॉडी को ख़राब कर दिया है, अब तुम कभी भी मर सकती हो, शायद 2 दिन में या 1 ही दिन में। वो पूछती है डॉक्टर से उसके पास कितना टाइम है, तो मियू बोलता है बहुत कम समय है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर और नर्स वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि हनेडा ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी मियू बोलता है हो सकता है अपने हस्बैंड की वजह से उसने ऐसा किया हो। इसके बाद मियू जब हनेडा के पास जाता है तो हनेडा मियू से बोलती है कि वो उसे अपने हस्बैंड के पास ले जाए। फिर हमें पता चलता है कि हनेडा का हस्बैंड वहीं हॉस्पिटल में एडमिट था जो कि पैरालाइज्ड था, और इसके बाद मियू हनेडा को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। हनेडा अपने हस्बैंड को खुश करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसके हस्बैंड को कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसका मन इंटीमेट होने का कर रहा होता है लेकिन सब कुछ बेकार जाता है। इसके बाद हनेडा पास्ट के कुछ सीन्स याद करने लगती है जहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के रूम में जाती है जहाँ पर नर्स सिगरेट पी रही होती है, वहीं पर हनेडा उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी हमें पता चलता है ये हॉस्पिटल हनेडा के हस्बैंड का ही है और जहाँ पर उसका हस्बैंड डॉक्टर था। इसके बाद स्टोरी पास्ट में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है हनेडा और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे और हनेडा का हस्बैंड बहुत ही फेमस डॉक्टर था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश थे, रोज़ लंच डिनर साथ में करते थे और रोज़ रात में इंटीमेट होते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हनेडा के हॉस्पिटल में जो नर्स होती है उसका चक्कर मियू डॉक्टर के साथ चल रहा होता है। एक दिन दिखाया जाता है हनेडा अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाती है लेकिन उसका हस्बैंड ये बोल के चला जाता है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आया है। हनेडा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने बहुत मन से उसके लिए लंच बनाया था। तभी हनेडा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचती है क्यों ना मैं ये लंच लेकर हॉस्पिटल ही चली जाऊं। वो हॉस्पिटल जाती है तो वो वहाँ पर अलग ही सीन चल रहा होता है। हनेडा का हस्बैंड अपनी नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और जो उसकी नर्स होती है वो दोनों ही डॉक्टर्स को धोखा बस अपना काम निकाल रही होती है। इसी बीच हनेडा वहाँ पर पहुँच जाती है लंच लेकर, तो वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। अब हनेडा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया। अब वो भी प्लान बनाती है कि मैं अपने हस्बैंड को जान से ही मार दूंगी। तभी वो डिनर बनाती है और उस डिनर में पॉइजन मिला देती है। वो अब बदला लेना चाहती थी अपने हस्बैंड से। तभी उसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि मैं आज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम था, मैं थक गया हूँ और खाना लगा दो। हनेडा ने पहले से ही खाना लगा के रखा होता है। उसका हस्बैंड खाता है। उसके बाद हनेडा उसके साथ इंटीमेट होती है और इंटीमेट होने के तुरंत बाद ही उसका हस्बैंड गिर जाता है। लेकिन हनेडा डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ी जाए, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है कि उसे ये तो पता ही होता है कि वो मर ही जाएगा। लेकिन वो हॉस्पिटल जाती है तो उसकी जान बच जाती है लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, मैं तो फंस चुकी हूँ अलग। इसके बाद अब वो कहीं की नहीं रहती, ना अपने हस्बैंड से उसको छुटकारा मिला होता है और ना ही वो आगे अपनी ज़िंदगी जी पाती है। और इसी के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होता है। इसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हनेडा लेटी होती है और मियू डॉक्टर से चेक करने आता है। तभी हनेडा बोलती है मियू से, मैं आखिरी बार इंटीमेट होना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होगे। हालांकि वो अपने हस्बैंड के साथ बदला लेना चाहती थी इसलिए वो मियू के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी किसी और के साथ इंटीमेट हुआ है और वो भी मियू के साथ इंटीमेट होगी। और इसी बीच दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं और इंटीमेट होने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है और यहीं से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।